कुछ खाने को दे दो, इतनी भूख लग रही है। तो क्या खाना है इतने टाइम आपको? चाउमिन बना दो, नूडल्स रखे हैं। अच्छा, चाउमिन बना दो, नूडल्स रखे हैं, बहुत आसान लगता है आपको। बहुत इजी तो है। अच्छा, बना दो, रेसिपी बता देना। चलो अभी बना दी। हसन, आपको भी खाना है क्या? हाँ बिल्कुल। चलो अभी बना दी हूँ फटाफट, दो मिनट में। अम्मी हमें भी बता दो आप चाउमीन कैसे बना रही है, और जो लोग देख रहे हैं आप उन्हें भी बता दीजिए। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया। अब इसमें एक चम्मच लगभग मैं ये रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, बस इतना ही ऑयल डालना है। इसमें नूडल्स का पैकेट है, इस तरह के ये नूडल्स हैं इसमें, ये देखिए। अब पानी में उबाल आ जाए तभी इसमें हम ये नूडल्स डाल देंगे। अब इसमें पानी में बबल्स से उठ रहे हैं तो इसमें उबाल आने को अब इसमें हम ये डाल देते हैं। ये स्टिक की तरह होती हैं और जैसे ये सॉफ्ट होती जाएंगी और इसके अंदर पानी में चली जाएंगी, ये देखिए। अब ये देखिए जितनी सॉफ्ट होती जा रही हैं ये इस पानी में चली गई, ये देखिए। अब इसको हम 2-3 मिनट सॉफ्ट होने तक बाउल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं मतलब। ये देखो सॉफ्ट हो चुकी हैं और इस तरह से हम इसको तोड़ रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से तोड़ना है तो ये खिंचकर ऐसे टूट रही हैं, बस इतनी ही इनको उबालना है। अब इसको एक छानी में हम निकाल लेते हैं और इसमें डालेंगे हम सादा पानी। देखो बेटा मैंने इसको गर्म पानी में निकालने के बाद मैंने इसे छानी में कर लिया तो इस पर मैंने सादा पानी भी डाल लिया है, तो ये खिली खिली सी हो गई हैं। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए हम इसमें हम ऑयल भी डाल सकते हैं, सरसों का या रिफाइंड या कोई वनस्पति। तो मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, देसी घी में और ज़्यादा ये अच्छी बनेंगी, बढ़िया हेल्दी भी बनेगी। तो इसमें थोड़ा हमें प्याज वाज फ्राई करना है तो पहले इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को सॉफ्ट कर लेते हैं। ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना। इसमें शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं हल्का सा, बस सॉफ्ट करना ज़्यादा नहीं। और इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, तीनों चीज़ों को बस 1 मिनट हम इसे में फ्राई करेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें सोया सॉस, ये बोतल है सोया सॉस की, और कम लगेगी तो हम मैगी के ऊपर से भी थोड़ी डाल लेंगे। मिक्स कर लेते हैं सब्ज़ी में से। 1/2 चम्मच इसमें विनेगर डाल रही हूँ मैं, ये देखिए विनेगर है, ये वाइट वाला इस तरीके का। छन्नी में छानने के बाद इसमें मैंने सादा पानी भी डाल दिया था और इसको मैंने 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये खुशक हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसे सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। आप भी इसी तरीके से बनाइए और बच्चों को खिलाइए, झटपट बनने वाली रेसिपी। ये देखिए कितनी बढ़िया तैयार हुई है, प्लेटों में मैं सर्व कर रही हूँ, बच्चों के लिए निकाल रही हूँ, बच्चे खाएंगे, उन्हें बहुत तेज़ की भूख लगी है। चलो बच्चों इसका टेस्ट करके बताइए। चलो एक टेस्ट करो, टेस्ट कर। बिस्मिल्लाह करो पहले। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा भूख लगी लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। बहुत ही बढ़िया, देखिए कमाल कर दिया आपकी अम्मी ने, 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है।